हम रुक करांगे अगली वड्डी खबर दा। पटियाला तो अगली वड्डी खबर सामने आ रही है, प्रदर्शन कर रहे 2364 सिलेक्ट अध्यापकों का प्रदर्शन आज भी जारी है, बीते दिन भी जारी सी। ते पटियाला नेशनल हाईवे ते इन्हां ने धरना प्रदर्शन किया, ते सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि जेकर मंगा ना मनिया गईयां, नौकरी दे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किते जां फिर कोई तरीक तय नहीं कीती, ते उन्हां दा प्रदर्शन होर तिखा होवेगा ते मंग होर वधेगी। ते अज पंजाब भर च उन्हां दी कैटेगरी दे अध्यापक पहुंचणगे, पंजाब भर दे अध्यापक पहुंचणगे पटियाला संगरूर रोड ते। नहर दे दूजे दिन भी ETT सिलेक्टेड 2364 अध्यापक यूनियन वालों धरने ते डटे हुए ने, ते नियुक्ति पत्र दी मंग कर रहे ने। दस दईए बीते दिन कुछ नौजवानों वालों नहर विच छाल भी मारी गई सी। ETT टेट पास अध्यापक धरने ते डटे हुए ने, सिलेक्टेड हुए ने, हुण तक इन्हां नूं नौकरी नहीं दित्ती गई, नियुक्ति पत्र नहीं दित्ते गए इन्हां नूं, जिसका विरोध कर रहे ने। पटियाला संगरूर नैशनल हाईवे ते प्रदर्शन किया गया, ते बीते दिन ही नहर च छाल भी मारी सी कुछ नौजवानों ने, ते अज भी यह प्रदर्शन जारी है। पटियाला विच अध्यापकों का धरना जारी है, नियुक्ति पत्र जारी करन दी मंग कर रहे ने, ते चेतावनी दित्ती है सीधे तौर ते। असी ये मैसेज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि असी जी ETT 2364 की एडवरटाइजमेंट वो सरकार ने क्ढी, असी एग्जाम दिए दो एग्जाम दे के असी टैसट क्लीयर किए, फिर बाद असी अपने डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करवा के असी वेरीफाई कराया, मैरिट से साढ़े नाम आए हैं, पर हूँ 8.5 महीने बीतते जाने के बावजूद भी जी सरकार नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रही है। तो साढ़े जोड़े साथी है मतलब इन्ने हरासमेंट से इन्ने डिप्रैशन से है कि वो कल इतने नहर के छाल मारने जोड़े तैयार हो गए, वो बहुत उन्होंने घर के हालात जोड़े बड़े माड़े हैं, उन्होंने घर का मतलब खर्चा चलाना बड़ा औखा हो रहा है, जो प्राइवेट जॉब करते वो भी उन्होंने चली गई, तो वो मतलब अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, इस करके वो परेशान हो गए। इतने कल असी YPS चौंक की तरफ जा रहे थे, पर जो साथी दो तीन साथी है वो इधर निकल आए, तो वो अपनी जान की बाजी भी लाने भी तैयार है, पर उन्होंने सिर्फ एक ही कहना भी या तो सानू नियुक्ति पत्र दे दो या फिर सानू मौत दे दो। देने लई साडे सहयोगी अविनाश कंबोज साडे नाल जुड़े हुए ने। जी अविनाश, अज दूजा दिन हो गया इन्हां दे धरना प्रदर्शन दा, ते बीते दिन कुछ नौजवानों ने छाल मारन दी कोशिश भी कीती, ते फिलहाल प्रशासन वल्लों कोई सार लई गई इन्हां दी? जी नीलम, किते ने किते कल तो ही जिहड़े ETT 2364 सिलेक्टेड अध्यापक यूनियन दे वल्लों जिहड़ा नियुक्ति पत्र दी मंग नूं लेके धरना प्रदर्शन जारी सी, पटियाला संगरूर रोड मेन हाईवे ते जिहड़ी नहर है उत्थे दो अध्यापकां वल्लों छाल भी मारी गई सी। कितना कि अध्यापकों जो गोताखोरों की टीम वालों जो सही सलामत कट लिया, लेकिन अज भी दूजे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है, तो मंग उ है कि नियुक्ति पत्र, जे नियुक्ति पत्र नहीं दिते जाते तो यह कुछ भी कर देंगे जिंद जिम्मेवार पंजाब सरकार होएगी। तो कितना कि साफ तौर पर प्रशासन भी इन्हों गलबात जोड़ा बार बार जा रहा है, लेकिन यह जिहड़े अध्यापक ने यह नियुक्ति पत्र मंग रहे हैं क्योंकि सिलेक्टेड हो चुके अध्यापक ने, यह इन्हों का साफ तौर पर कहना कि सानू दो बारी असी टेस्ट जिहड़ा टेस्ट है वो असी पास कर चुके हैं, लेकिन हाले तक भी जिहड़ा सानू नियुक्ति पत्र नहीं दे रही सरकार, जिहदे वजो अज भी पटियाला संगरूर रोड जिहड़ा मेन हाईवे है वो ब्लॉक किया गया, तो नहर के उत्ते बैठे हैं प्रशासन के अधिकारी इन्हां नाल गलबात कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र की मंग से यह अध्यापक हाले भी अड़े हुए हैं। जी नीलम, अविनाश की कुछ कारण ने कि नियुक्ति पत्र हुण तक जारी नहीं किया गया, क्योंकि जो भी कोई सरकारी नौकरी लगती है तो सरकार प्रशासन अपने वालों तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करती है कैंडिडेट्स दे, बट हुण जद इन्हां नूं नियुक्ति पत्र देने ते की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही ने? देखो नीलम, कितने कितने अध्यापक भी यही बार बार जिहड़ियां मीटिंगां होंदियां इन्हां दी मंत्रियां नाल वो इत्थे जाके भी यही गल कहिंदे भी असीं जिहड़ा टेस्ट है वह पास कर चुके हैं, तो कितने दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि साढ़े सारे डॉक्यूमेंट जिहड़े आ तुसीं जमा करा लिया, लेकिन कितने ना कितने सरकार के रवैये से भी सवाल जिहड़ा इन्हां ने चक्या हैगा, तो हर बार जिहड़ी मीटिंगां च हल नहीं होया, जिहदे वजो एक कल रोज के वजह इन्होंने नहर च छाला मारिया, तो अज दूजे दिन भी जिहड़ा इन्हां दा संघर्ष है वो जारी है, देखना होगा प्रशासन इन्हां नाल गलबात हो रही है लेकिन की नतीजा निकलता है हल तक कुछ भी कहना संभव है, लेकिन यह जिहड़े प्रदर्शनकारी है 2364 अध्यापक यूनियन ETT ये अपनी मंग नूं लेके जिहड़े हले भी इत्थे डटे हुए ने। जी नीलम, अविनाश बिल्कुल नियुक्ति पत्र एक पहचान है इन्हां दी कि इन्हां दी सरकारी नौकरी लगी है जां फिर इन्हां नूं ये डेजिग्नेशन मिलिया है, ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਨੀਲਮ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
जिहड़े प्रदर्शनकारी 2364 अध्यापक ने सिलेक्टेड यूनियन इन्हां नाल गलबात कर रहे हैं, लेकिन इन्हां दा साफ तौर पर कहना है कि सानू नियुक्ति पत्र दिते जाण, क्योंकि 8.5 महीने हो चुके हैं इन्हां नूं हर वार टाल मटोल किया जाता, जिहदे रोस दे वजो यह नहर से बैठे हैं। कल भी इन्हां ने छलंगा मारे थी, अज भी इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है सरकार नूं, जे साडी जानी माली नुकसान होंदा तां उहदी जिम्मेवार पंजाब सरकार होवेगी। तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। तो सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है, जे कुछ इन्हों होंदा है तो सरकार जिम्मेवार होगी। तो अज भी दूजे दिन भी धरना जारी है पटियाला अध्यापकों का।